नमस्कार दोस्तों गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है और जो भी स्टूडेंट फेसबुक पेज पे है फेसबुक पेज वाले सभी स्टूडेंट एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पर आ जाइए फटाफट से सभी का स्वागत है अभिनंदन हाँ भाई सभी लोग जुड़ जाइए जितने भी स्टूडेंट हैं और आज हम नए चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और नए चैप्टर में हाँ भाई ये सोनू मीना राम राम भैया राम राम इधर कुमारी गुड इवनिंग केशव शर्मा गुड इवनिंग राधे देस्मिता सोरेन गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग हाँ भाई ये अननोन गेमिंग सभी को नमस्कार गुड इवनिंग हाँ भाई सभी लोग जुड़ जाइए जो भी स्टूडेंट देख पा रहे हैं और आप जुड़ के सबसे पहले आप एग्जाम पंडा यूट्यूब चैनल है इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ठीक है? और देखिए आज नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम फंडा। चैनल चैनल है, इस पर आके आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए जो भी स्टूडेंट देख पा रहे हैं और आज हम नया चैप्टर टॉपिक स्टार्ट करने वाले चैप्टर तो स्टार्ट हो रखा है ऑलरेडी ठीक है नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम में आज हम जो बात करने वाले हैं ये रिमाइंडर थोरम की बात करने वाले शेषफल प्रमेय और बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे बिल्कुल जीरो से मैं उठाने वाला हूं तो आप लोग देखेंगे किस तरीके से रिमाइंडर थोरम से क्वेश्चन आता है आप कोई भी एग्जाम देते हो देखो आजकल इस तरीके से टेक्निकल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं रिमाइंडर थोरम में कई कई बार क्या होता है आपको लगता ऐसा है ऐसे है प्रश्न कि ये यूनिट डिजिट का प्रश्न है या फिर जीरो का प्रश्न है, ठीक है पर वही प्रश्न बन किससे रहा है प्रमेय से से बन रहा है। रिमेंडर से पढ़ रहा है, है। पढ़ तो इस तरीके क्लास करते हैं। ये धीरज पाल गुड इवनिंग हाँ भाई अब देखो पूरा ध्यान आपका बोर्ड पर होना चाहिए समझने पर होना चाहिए पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे कुछ लोगों के लिए नया टॉपिक भी हो सकता है तो मैं बिल्कुल आपको जीरो से पढ़ाने की कोशिश करूंगा बिल्कुल अच्छे से आप लोग साथ चलेंगे तैयार हो आप लोग सभी और बस एक ही रिक्वेस्ट यह है जितने भी स्टूडेंट आप देख रहे हैं चैनल को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो ठीक है बाकी आप पढ़ो ये टॉपिक भी आप पढ़े ठीक है देखिए आप देखिए दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं प्रमेय रिमाइंडर थोड़ा मैं आपको स्टार्टिंग में भी बोल चुका हूं फिर मैं यही बात दोहराऊंगा दोबारा कोई भी जो टॉपिक है उसका नाम नाम से ही उसका मतलब होता है ठीक है और उसी मतलब से काम करना है आपको सिर्फ उसके नाम से ही उसका मतलब निकलता है मीन निकलता है और उसी मीन से आपको पूरे टॉपिक पे कंसंट्रेशन करना है ठीक है हम जो पढ़ने वाले हैं ये रिमाइंडर थोरम पढ़ने वाले मतलब शेष फल पढ़ने वाले तो आपको केवल और केवल रिमाइंडर के अकॉर्डिंग ही बात करनी है समझ में केवल के ही अकॉर्डिंग बात करेंगे ठीक है तो इसलिए बिल्कुल जीरो से मैं आपको उठाने वाला हूं और मेंस तक क्वेश्चन कराऊंगा काफी लेंथी भी चैप्टर है ठीक है काफी क्वेश्चन कराऊंगा काफी प्रैक्टिस कराऊंगा ठीक है तो आप लोग बिल्कुल तरीके से रहिए हाँ भाई देखिए सभी से मैंने बात कर लिया और गुड इवनिंग अब आपका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए देखिए हम बात करने वाले हैं रिमाइंडर शेषफल प्रमेय की बात करने वाले ठीक है देखेंगे आप लोग जैसे कि कोई संख्या है तेईस बटा पांच ठीक है तेईस बटा पांच ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है अंश नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है हर अब आप अंश में हर का भाग लगाते हो ठीक है अब मैं आपसे पूछूं भाई इस संख्या में रिमाइंडर क्या है ठीक है क्या है? तो आप कुछ इस प्रकार से भाग लगाते हो ठीक है ऐसे ही भाग लगाते हो आप यहां पर भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा फोर फोर फाइव फोर जा कितना होता है ट्वेंटी होता है ठीक है तो आप देख रहे हैं रिमाइंडर कितना बचा तीन बचा ये आपका क्या यहां पर रिमाइंडर है ये क्या है आपका रिमाइंडर प्लस का तीन समझ में आया आपने रिमाइंडर कितना बताया यहां पर तीन होता है ठीक है अब एक चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि कभी भी रिमाइंडर का मान होता है जो रिमाइंडर का वैल्यू होता है ना रिमाइंडर शेष फल ये कभी भी भाजक से ज्यादा नहीं होता ठीक है डिविजर से ज्यादा कभी भी रिमाइंडर का मान नहीं होता हमेशा क्या होगा कमी होगा ठीक है ये बात ध्यान रखें तो आपने तुरंत बोला कि सर इसका रिमाइंडर कितना बना तीन बना है प्लस का तीन ठीक है अब आप देखो थोड़ा सा समझें आप रिमाइंडर प्लस में और माइनस में दोनों में काउंट कर सकते हो देखो कैसे काउंट देखिए आप जैसे कि यही था तेईस बटा पांच थोड़ा सा समझेंगे अब आप मुझे यह बताओ तेईस से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें आप पांच का पूरा पूरा भाग लगाए पांच का भाग लगाए तो वो पूरी तरह विभाजित हो जाए ठीक है एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए ठीक है तो भाई तेईस से ट्वेंटी थ्री से ऐसी कौन सी से छोटी संख्या है तो आप कहोगे सर तेईस से छोटी बीस है कितना है तीन अधिक है तो इसका रिमाइंडर कितना हुआ, प्लस का तीन हो गया समझ में आ गया अब यही बात हम माइनस में भी कर सकते आप यह बताओ भाई ट्वेंटी थ्री से बड़ी कौन सी से संख्या है जिसमें पांच का भाग यदि आप देते हो तो एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए exact मतलब पूरा पूरा भाग जाना चाहिए तो भाई तो तो माइनस का टू हुआ दोबारा समझे भाई तेईस से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें पांच का पूरा पूरा भाग जाए तो आप कहोगे सर बीस है बीस में पांच का पूरा पूरा भाग जाएगा और तेईस बीस से कितना अधिक है प्लस का तीन अधिक है तो प्लस है तो रिमाइंडर प्लस का तीन हुआ फिर देखिए तेईस से छोटी कौन सी संख्या तेईस से बड़ी कौन सी संख्या है जिसमें का पूरा पूरा भाग चला जाए आप कहोगे सर 25 है। और तेईस पच्चीस से कितना कम है दो कम है तो रिमाइंडर कितना हुआ माइनस का दो हुआ तो कहने का मतलब रिमाइंडर आप प्लस में भी देख सकते हो और माइनस में भी देख सकते हो पर होता किस में है प्लस में मानते हैं ठीक है थीके? पर यहां पर हम क्वेश्चन करने के लिए माइनस में भी रिमाइंडर को काउंट कर सकते हैं समझ में आया चलो आगे बढ़ते हैं देखो स्क्रीनशॉट लेते चलना बिल्कुल ठीक है इसमें कोई कंजूसी ना करें आप लोग ये सरत कुमारी सर प्रीवियस क्लास में डिजिबिलिटी रूल में सात का रूल अरे कोई बात नहीं मैं लिखा दूंगा आपको बता दूंगा ठीक है सात का ज्यादा काम भी नहीं आता इसलिए मैंने ज्यादा बताया ठीक है जो काम के हैं वो मैंने बता दिए ठीक है भैया अभी आपका पूरा ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए ठीक है क्लियर नेक्स्ट देखिए जैसे कि ठीक है सिक्सटी थ्री वाई डिवाइडेड बाई एट तिरसठ में आठ का भाग लगा है ठीक है अब आप ये बताओ त्रेसठ से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें आठ का पूरा पूरा भाग जाता है तिरसठ से जस्ट छोटी कौन सी संख्या तो आप कहोगे सर तिरठ से छोटी संख्या छप्पन एक्स फिफ्टी सिक्स ठीक है और तो कोई है नहीं है ठीक है आठ आठ चौसठ हो जाता है ठीक है और आप ये बताओ तिरसठ छप्पन से कितना अधिक है सात अधिक है तो रिमाइंडर कितना हुआ प्लस का सात हुआ समझ में आया फिर आप ये बताओ तिरसठ से बड़ी कौन सी संख्या है जिसमें आठ का पूरा पूरा भाग जाए तो आप कहोगे चौसठ है और तिरसठ चौसठ से कितना कम है एक कम है तो रिमाइंडर कितना हुआ माइनस का एक हुआ समझ में आया तो रिमाइंडर प्लस में भी काउंट कर सकते हो माइनस में भी काउंट कर सकते हो ठीक है और देखें आप 49 डिवाइडेड बाई 6 49 में आप 6 का भाग हो अब आप मुझे यह बताइए कि भाई 49 से बड़ी कौन सी संख्या 49 से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें 6 का पूरा पूरा भाग जाए 49 से जक से छोटी जिसमें आप 6 का भाग लगाएं तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए तो आप कहोगे सर 48 है 48 है, से 49 से छोटी कौन सी संख्या है 48 48 में 6 का पूरा पूरा भाग जाए और उनचास अड़तालीस से कितना अधिक है एक अधिक है तो रिमाइंडर कितना हुआ प्लस का एक हुआ फिर हम बात करते हैं उनचास से बड़ी कौन सी संख्या जिसमें छह का पूरा पूरा भाग चला जाए ठीक है तो आप कहोगे सर 54 और आप यह बताइए कि भाई 54 59 से कितना कम है 54 है 59, 54 से कितना कम है तो आप कहोगे सर पांच कम है तो रिमाइंडर कितना माइनस की पांच तो रिमाइंडर प्लस में भी हो रहा है माइनस में भी हो रहा है समझ रहे हैं आप प्लस और माइनस दोनों में हो रहा है ठीक कितना होगा तो आप कहोगे सर नौ सत्य तिरसठ ठीक है पूरा पूरा भाग चला गया तो रिमाइंडर क्या हुआ जीरो हुआ पूरा पूरा भाग गया तो रिमाइंडर क्या हुआ जीरो कुछ नहीं है। रेमेंडर जीरो बचेगा समझ में आया चलो आगे बढ़ते हैं सेवेंटी थ्री डिवाइडेड बाई सात अब भाई तेहत्तर से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें सात का पूरा पूरा भाग जाए तो आप कहोगे सर सत्तर है और तेहत्तर सत्तर से कितना अधिक है तीन अधिक है तो रिमाइंडर कितना हुआ प्लस का हुआ माइनस यदि बात करें तो भाई तेहत्तर से बड़ी कौन सी संख्या जिसमें सात का पूरा पूरा भाग जाए तो आप कहोगे सर है और तेहत्तर सतहत्तर से कितना कम है माइनस के चार। तो रिमाइंडर क्या हुआ प्लस माइनस के चार अब आपने एक चीज सीखी यहां पर कि रिमाइंडर आप प्लस में भी ले सकते हो और माइनस में भी निकाल सकते हो ठीक है तो ये आपके समझ में आई है या नहीं आया है हाँ भाई शरद कुमारी बोलिए क्या कह रहे हैं सोनू बोले सर ऑप्शन में दोनों देखो अभी आप समझो अभी सिर्फ आप रिमाइंडर प्लस और माइनस में ही निकाल रहे हो और रिमाइंडर हमेशा माना किस में जाता है प्लस में ही माना जाता है। बट आप दोनों निकालना सीखो ठीक है अभी हम स्टार्टिंग कर अभी इन पर बात करेंगे क्यों हम माइनस में ले रहे हैं क्यों प्लस में ले रहे हैं बात करेंगे ठीक है अब आप देखो यहां पर किसी में भी देख लो आपने इसमें निकाला ठीक है इधर देखिए यहां पर देखिए तीन और दो का सम करो आप ठीक है तीन और दो का सम करोगे आप योग करोगे तो भाई कितना हो रहा है पर पांच हो रहा है माइनस छोड़ो आप ठीक है ये माइनस मत देखो आप तीन और दो का सम कितना हो रहा है फाइव हो रहा है अब यदि मान के चलो आपको एक पता चल गया प्लस का तीन पता चल गया तो माइनस में निकाल सकते हो कि आप पांच में से तीन माइनस कर दो बुद्धो आ जाएगा आप ये माइनस ये चिन्ह को मत देखो आप ठीक है अभी आप सिर्फ ये देखो इन दोनों का जो समय वो पांच हो रहा है नीचे वाली क्या हो रही है है कि समझ में आया और यदि आपको एक मालूम तो इससे आप दूसरा भी निकाल सकते हो प्लस का मालूम है तो माइनस का निकाल सकते हो माइनस का मालूम है तो प्लस का निकाल सकते हो निकाल सकते हो क्या और देखिए आप।, आप देखो सात और एक देख लो आप डिनोमिनेटर आ रहा है नहीं आथ, आथ आ रहा है तो यदि आपको मान के चलो माइनस का मालूम है तो आठ में से एक माइनस कर दो प्लस के साथ आ जाएगा देखो यहां पर एक और पांच छ हो रहा है ठीक है यहां पर भी देखेंगे यहां पर तीन और चार कितना हो रहा है सात हो रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं तो कहने का मतलब मेरा यह है कि यदि आपको एक रिमाइंडर मालूम है प्लस का मालूम है तो आप माइनस का भी निकाल सकते हो क्यों निकाल सकते हो क्योंकि सर ये पूरा टॉपिक यूट्यूब में हाँ बिल्कुल पूरा टॉपिक यूट्यूब में चलेगा डोंट वरी ठीक है पढ़िए आप ठीक है कहने का मतलब मेरा यह है यदि आपको रिमाइंडर प्लस में पता है तो आप माइनस में भी निकाल सकते हो यदि आपको माइनस में पता है तो आप उसको प्लस में भी कन्वर्ट कर सकते हो जैसा कि मान के चलो अब यहां पर आपको पता चल गया कि माइनस में माइनस माइनस में माइनस के पांच है आपको प्लस निकालना है तो छह में से पांच माइनस कर दो कितना आएगा प्लस का एक आज आएगा बल्कि रिमाइंडर हमेशा प्लस में ही काउंट करते ठीक है बट आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई हम माइनस में भी निकाल सकते हैं और माइनस से प्लस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं प्लस से माइनस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप मुझे ये बताइए यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए हाँ भाई जवाब दीजिए आप यहां तक किसी को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बताइए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिए प्लीज कमेंट करना ना भूलें आप कमेंट करते चलिए आपको प्लस माइनस दोनों निकालना सीख लिया आपने प्लस से माइनस कैसे निकालते हैं माइनस से प्लस कैसे निकालते हैं ये भी आपने सीख लिया बोलिए नो प्रॉब्लम चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं अब कुछ दो तीन क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूं और सभी लोग आप बनाने का पूरा प्रयास करेंगे ठीक है प्लस में भी निकालोगे माइनस में भी निकालोगे ठीक है चार प्रश्न में आपके लिए दे रहा हूं ठीक है इसमें बताइए पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन भाई इनमें आप प्लस माइनस दोनों आप कैलकुलेट करके बताएं बिल्कुल आराम से चलेंगे तरीके से पढ़ेंगे सभी का आंसर दीजिए ठीक है आप खुद बनाइए आप क्रॉस चेक कर लेना अभी आपके टाइम दे रहा हूं आप खुद अपने आप से क्रॉस चेक कर लेना जब मैं इनको सॉल्व करूं अभी आपका ध्यान कमेंट करने से ज्यादा सॉल्व करने पे रहना चाहिए ठीक है बिल्कुल जीरो से चलेंगे दोस्तों ध्यान रख लेना ठीक है मुझे सिखा के ही जाना है मेरा एक ही मकसद रहता है सिखाना जो मैं काम करूंगा ठीक है आप कमेंट मत करो आप तो अपना क्रॉस चेक कर लेना आप अपने अपने आंसर रख लो अपने पास ज्यादा समय नहीं है आपके पास थोड़ा ही समय है आप लोग करें कीजिए सभी लोगों और फेसबुक पेज वाले जो मेरे मित्र हैं तो फेसबुक पेज वालों आप लोग बेटा ऐसा कीजिए आप एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पर आने का थोड़ा सा प्रयास करोगे तो आपके कमेंट में पढ़ पाऊंगा ठीक है अंत आपकी कमेंट छूट रहे उसके पीछे रीजन ये है छूटने का कि भाई क्लास यूट्यूब पर भी चल रही है फेसबुक पे भी चल रही है और एप्लीकेशन पे भी चल रही है अब तीन जगह स्क्रीन नहीं होती है स्क्रीन ज्यादा से ज्यादा आप दो जगह कर सकते हो वेरी गुड अरे आप केशव शर्मा गलत और सही करने वाले आप कौन होते हो आप इतने इंटेलिजेंट थोड़ी ना हो अभी आप तो अपना ध्यान रखो उनका ध्यान रखो तो आप आप अपना ध्यान रखो ठीक है प्लीज अभी आप खुद से रहिए दूसरों का ना रखिए ठीक है आप अपना आंसर बनाइए हाँ भाई चलो ठीक है आपने बनाई अब आप चेक कर लेगा ठीक है कोई बात नहीं गलत भी होगा तो उसको सही कर लेंगे हम लोग देखिएगा देखो भाई 26 से छोटी कौन सी संख्या जिसमें पांच का पूरा पूरा भाग जाए तो आप कहोगे सर 25 है इसमें कौन सी बड़ी बात है और 26 25 से कितना अधिक है एक अधिक है तो रिमाइंडर कितना होगा प्लस का एक अब आप माइनस में तो निकाल लो पांच में से एक माइनस कर दो कितना होगा माइनस के चार हो गया हाँ, समझ में आया या फिर आप चेक कर लो भाई छब्बीस से बड़ी कौन सी संख्या है जिसमें पांच का एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए पांच से एग्जैक्ट डिवाइड आप कहोगे सर तीस है थर्टी है और छब्बीस तीस से कितना कम है चार कम है आगे रिमाइंडर बल्कि रिमाइंडर मानोगे किसमें हमेशा प्लस में ही मानोगे

आप किसी में भी निकाल लो रिमाइंडर आपको लग रहा है कि हमारा रिमाइंडर माइनस में आ रहा है जल्दी तो आप माइनस में निकाल लो आपको लगता है कि हमारा रिमाइंडर प्लस में आ रहा है तो आप प्लस में निकाल लो ये आपकी सुविधा के लिए है फिर आप प्लस से माइनस कर सकते हो माइनस से प्लस कन्वर्ट कर सकते हो ये मैंने सिखा दिया आपको समझ में नहीं अब भाई 87 ठीक है तो देखो यहां पर सत्यासी से बड़ी संख्या नब्बे है आपको तुरंत पता चल गया अच्छा यार नब्बे है ठीक है सत्यासी से बड़ी संख्या और नब्बे सत्यासी से कितना कम है तीन कम है तो रिमाइंडर कितना हुआ? अब आप प्लस में तो कन्वर्ट कर लो भाई प्लस में कन्वर्ट कर लो आप नौ में से तीन माइनस कर दो नहीं आप कितना आएगा रिमाइंडर प्लस के छह आ जाएगा जय हिंद ये देख लो या फिर 86 से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें नौ का पूरा पूरा भाग जाए आप कहोगे सर इक्यासी है क्या कहोगे है और सत्यासी इक्यासी से कितना अधिक है छ अधिक है तो रिमाइंडर प्लस का पर यह आपको अपनी सहूलियत के अनुसार प्लस में निकाल लो माइनस में निकाल लो कैसे भी निकाल लो ये आपको खुद को सोचना अब देखो यहां पर एट्टी सेवन एट अब भाई अठहत्तर से छोटी संख्या कौन सी है आप कहोगे सर सेवन और अठहत्तर से बड़ी कौन सी संख्या है ठीक है? तो है, है तो है? आप कहोगे सर 81 81 81 है है और तो से तीन कम है तो रिमाइंडर कितना हुआ माइनस के तीन प्लस में निकालना है तो आप नौ में से माइनस कर दो तीन ये आ गया प्लस के छह आ गया या फिर बेहतर होगी तो कितना बचेगा प्लस के छह बचेगा निकाल सकते हो आप यहाँ पर 97. अब ऐसी कौन सी संख्या जिसमें इसका पूरा पूरा भाग जाए ठीक है तो अब आप देखो तीन का, नियम आपको है। तीन का नियम क्या है योग करना पड़ता है तो भाई देखा जाए तो नौ और ये सात कितने होंगे सोलह होंगे ठीक है क्या होंगे सोलह तो इससे छोटी कौन सी संख्या है छानवे है छानवे होगा तो पंद्रह होंगे ठीक है तो यहां पर रिमाइंडर क्या हुआ प्लस का एक हुआ माइनस में यदि निकालना है तो आप क्या करोगे तीन में से एक माइनस कर दो कितना आ गया प्लस माइनस के दो आ गया ये लो माइनस में निकाल दो कोई दिक्कत सबके सही है कहने का मतलब मेरा समझाने का जो छोटा सा मतलब है वो ये मतलब है समझ में आया कि आप रिमाइंडर चाहे प्लस में निकालो चाहे माइनस में निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम माइनस में भी रिमाइंडर काउंट कर सकते हैं ठीक है माइनस में भी रिमाइंडर काउंट कर सकते हैं समझ में आ रहा है अपनी कैलकुलेशन को ठीक है आ रहा है नहीं समझो। क्योंकि कैलकुलेशन हमें ही करनी होती है ठीक है क्लियर है भाई क्लियर समझ में आ रहा है, आ रहा है आपके ठीक है और देखिये जैसे कि बटा पांच इसमें रिमाइंडर बताना अब आप ये बताइए तीन से छोटी कौन सी संख्या जिसमें पांच का पूरा पूरा भाग जाए बोलो आप मुझे यह बताइए तीन से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें पांच का पूरा पूरा भाग जाए बोलिए ये नीरज वर्मा गुड इवनिंग अब आपको एक बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं मैं आज आप मुझे बताइए तीन से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें पांच का पूरा पूरा भाग जाए कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए बोलिए तीन होगा तीन से छोटी कौन सी संख्या जीरो कोई नहीं सोनू मीना जीरो कोई नहीं धीरज पाल फोर प्लस टू देखिए देखो तीन से छोटी संख्या है जीरो तीन से छोटी संख्या जीरो एक ऐसी संख्या है इसमें सबका पूरा पूरा भाग जाता है देखो कैसे जैसे कि आप जीरो में पांच का भाग लगाओ तो जीरो में पांच का भाग कितनी बार जाएगा जीरो बार कितना बचेगा जीरो कितना आया जीरो जीरो एक ऐसी संख्या है जिसमें किसी भी संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है आप नोट डाल के लिख सकते हो ये आप नोट भी डाल सकते हो नोट डाल के लिख लेना आप जीरो में सब किसी भी संख्या का भाग पूरा पूरा जाता है और पूरा पूरा भाग जाता है तो रिमाइंडर क्या बचता है जीरो ही बचता है ठीक है लिख लें आप रेमेंडर जीरो में आप किसी भी संख्या का भाग लगाओगे तो पूरा पूरा भाग जाता है तो की है जीरो ही बचता तो आप देखिए से छोटी संख्या है जीरो जिसमें पांच का पूरा पूरा भाग जाता है और तीन जीरो से कितना अधिक है तीन अधिक है तो रिमाइंडर क्या हुआ प्लस का तीन बना रिमाइंडर क्या बना प्लस का तीन समझ में आ रहा है आपके बिल्कुल और माइनस में यदि बात करें तो तीन से बड़ी कौन सी संख्या जिसमें पांच का पूरा पूरा भाग जाए आपका कहोगे सर पांच है क्या है पांच है ठीक है और तीन पांच से कितना कम है दो कम है तो रिमाइंडर क्या हुआ माइनस की दो हुआ तो रिमाइंडर प्लस में और माइनस में आप निकाल सकते हो जैसे कि और बात करें हम तेरह में भाग लगाए यदि पंद्रह तो आप ये बताओ बताइए तेरह से छोटी कौन सी संख्या जिसमें पंद्रह का पूरा पूरा भाग जाए आप कहोगे आपका जीरो।, और से, जीरो, से, तेरा जीरो से 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 सॉरी कितना तेरा तो रिमाइंडर क्या हुआ प्लस का तेरा तेरह से बड़ी कौन सी संख्या जिसमें पंद्रह का पूरा पूरा, पूरा भाग जाए तो आप कहोगे सर पंद्रह है और तेरह पंद्रह से कितना कम है दो कम है तो रिमाइंडर क्या हुआ माइनस के दो समझ में आया तो मेरा समझाने का मतलब यह था जीरो एक ऐसी संख्या है जिसमें आप किसी भी संख्या का भाग लगाओगे हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा जीरो ही आएगा पूरा पूरा भाग जाएगा समझ में आया क्लियर आपके क्लियर है या नहीं है यसो नो में जवाब दीजिए क्लियर है दोस्तों तो ये सब बातें क्लियर हुई ठीक है आगे बढ़ते हैं बिल्कुल छोटी छोटी बातों को लेकर चल रहे हैं हम लोग बिल्कुल छोटी छोटी चीजों को लेकर चल ठीक है जैसे कि माइनस पैंतालीस में छह का भाग लगाएं तो आपको रिमाइंडर बताना है और रिमाइंडर हमेशा प्लस में ही माना जाए ये ध्यान रखें पर यदि रिमाइंडर प्लस में माइनस में यदि आ जाता है तो आप प्लस में कन्वर्ट कर सकते हो क्या कर सकते अब देखो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आप देखो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए आपको चिन्ह को नहीं देखना ठीक है आप तो यही देखो चिन्ह को छोड़ो आप चिन्ह को बाद में देखेंगे आप तो ये देखो पैंतालीस से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें छह का पूरा पूरा भाग जाए तो आप कहोगे सर बयालीस क्या है भाई बयालीस क्या है बयालीस है और 42 है क्या है 42 है और पैतालीस बयालीस से कितना अधिक है तीन अधिक है तो रिमाइंडर क्या हुआ प्लस का तीन हुआ अब यहां पर आपने रिमाइंडर प्लस का क्या निकाला तीन ठीक है पर चिन्ह किसका लगा हुआ है माइनस का पर माइनस से क्या होगा गुना तो यहां पर रिमाइंडर क्या आ गया माइनस का तीन आ गया क्योंकि ये तो आप अच्छे से जानते ही हो कि भाई प्लस गुना माइनस करते हो प्लस गुना माइनस करते हो तो क्या बनता है माइनस और माइनस गुना प्लस करते हो तब भी क्या बनता है माइनस और प्लस गुना प्लस करते हो तो क्या बनता है प्लस और माइनस गुना माइनस करते हो तो क्या बनता है प्लस जिनको नहीं आता नहीं इसको जरूर लिख लेना तो भाई यहां पर माइनस गुना प्लस हुआ तो क्या बना माइनस बना अब आपको प्लस में काउंट करना है रिमाइंडर में काउंट करना है प्लस में तो छह में से माइनस तीन कर दो तो छह में से माइनस तीन करेंगे कितना आएगा प्लस का तीन आ जाएगा तो रिमाइंडर कितना आ गया प्लस का तीन आ गया आपको सिंबल को नहीं देखना इसको आप सिंबल को गुना कर देंगे यहाँ पर वही आंसर आएगा प्लस में तो प्लस गुना प्लस करते हैं तो प्लस ही रहता है ठीक है और देखिए आप हाँ भाई देखिए यहाँ पर माइनस के 35 बटा अब आप यह बताओ भाई 35 से जस्ट छोटी संख्या कौन सी है जिसमें नौ जाए तो आप कहोगे सर सत्ताईस है पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप ये देखो 35 से बड़ी कौन सी संख्या है जिसमें नौ का पूरा पूरा भाग जाए तो आप कहोगे सर छत्तीस आप आप है पूरा -पूरा तो आप सर आपको प्लस और माइनस का ध्यान नहीं रखना आपको अपनी सहूलियत के लिए कैलकुलेशन का ध्यान रखना कि कैलकुलेशन किस में कम है उसी के अकॉर्डिंग बात तो आप मुझे यह बताइए कि भाई पैंतीस से आपने तुरंत सत्ताईस से पहले किसको निकालने की कोशिश की आपने छत्तीस छत्तीस है और पैंतीस छत्तीस से कितना कम है एक कम है तो माइनस का एक हुआ रिमाइंडर कितना हुआ माइनस का एक तो यहां पर रिमाइंडर जो बना वो कितना बना माइनस का एक बट यहां पर सिंबल किसका लगा हुआ है माइनस का तो माइनस और तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस तो रिमाइंडर क्या आ गया प्लस का एक समझ में आया नहीं रिमाइंडर हमेशा रहेगा प्लस में ही ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता आप चाहे प्लस का ले लो माइनस का ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है, है? माइनस का आठ रहे. रहेगा माइनस का आठ ठीक है अब उसके यहां पर आ गया ना प्लस का एक अब आप रिमाइंडर माइनस में निकालोगे तो नौ में से माइनस करोगे प्लस का ठीक है, है भाई सुष्मिता सोरेन समझ में आ गया क्लियर है आपके ये चीज बिल्कुल दिमाग में क्लियर है चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका इसमें आपको रिमाइंडर बताना है रिमाइंडर प्लस में ही रहता है रिमाइंडर ध्यान रखना प्लस में ही काउंट करता है। तो आपको प्लस में ही बताना है अब आप चाहे यहाँ पर माइनस में ले लो प्लस में ले लो पर रिमाइंडर ऑल ऑल ओवर किस में होगा प्लस में ही होगा आप लोग खुद बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है आपका इंतजार करते प्लस का तीन और ये माइनस का पांच वेरी गुड प्लस का पांच वेरी गुड कभी दो निकल निकाल रहे कभी एक बस एक ही मेथड बताइए देखो मैं बताता हूं आपको दोनों ही काम में आएंगे प्लस भी काम आएगा माइनस भी काम आएगा ठीक है ध्यान रखना दोनों ही आने चाहिए एक मेथड ठीक है थोड़ा सा समझने का प्रयास करो आप मैंने पहले बोला नया सिस्टम है ठीक है थोड़ा सा नया लगेगा आपको सीखना है ठीक है यदि माइनस में निकाल लो तो माइनस से प्लस में आ जाओ और ऑल तो निकालना किस में प्लस में आप देखो यहां पर देखो बानवे थ्री है ठीक है तिरानवे से छोटी कौन सी संख्या है या फिर तिरानवे से बड़ी ठीक है तो देखो आप थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ठीक है होता है ठीक है तो भाई 96 सिक्स है आपको तुरंत पता चल गया और नाइनटी सिक्स ठीक है थीके? और आप यह बताओ कि भाई तिरानवे छानवे से कितना कम है ठीक है में जो छाइनटी सिक्स से कितना कम है तीन कम है तो रिमाइंडर क्या हुआ माइनस का तीन अब यहां पर रिमाइंडर कितना आया भाई माइनस का तीन पर सिंबल क्या लगा हुआ है माइनस तो माइनस से गुना कर दो तो कितना हो गया प्लस का तीन और आपको प्लस में निकालना है सिंबल को छोड़ो इस माइनस को छोड़ो आप इसको ध्यान में मत दो इसको तो बाद में जो रिमाइंडर आ रहा है उसके साथ करना है ठीक है आप कहोगे बहुत से लोग कहेंगे कि सर हम तो प्लस में लेंगे तो क्या आएगा अठासी आएगा तिरानवे तो से छोटी कौन सी संख्या है अठासी और अठासी है ठीक है तिरानवे तो अठासी से कितना अधिक है पांच अधिक है तो रिमाइंडर कितना आया प्लस का पांच ठीक है रिमाइंडर कितना आया प्लस का पांच आया ठीक है यहां पर कितना आ गया प्लस का पांच ठीक है पर आप देखो सिंबल क्या लगा हुआ है माइनस तो यहां पर कितना हो गया माइनस के पांच और फिर आपको प्लस में निकालोगे तो आठ में से पांच माइनस कर दो तीन आ गया देख लो आप ये लो प्लस में इसलिए कहने का मतलब ये है कैसे कंफ्यूज हो रहे हैं सर यूट्यूब पर भी हाँ यूट्यूब पर भी चल रही है प्रेम बाबू कोई नहीं पढ़ने दो यार अभी क्या है लॉकडाउन और बढ़ गया आगे ठीक है तो अभी हमने भी सोचा चलो यार और पढ़ा ठीक है कोई बात एप्लीकेशन वालों को कोई नुकसान वाली बात नहीं है आप मस्त पढ़ाई करो ठीक है आया समझ में तो कहने का मतलब रिमाइंडर प्लस में ले लो माइनस में ले लो यदि माइनस में संख्या आ जाए तो जब आपको रिमाइंडर निकाल रहे हो चाहे आप प्लस में निकाल में निकाल रहे रहे हो हो चाहे माइनस में उसको आप माइनस से भी गुना करेंगे ठीक है क्लियर आगे समझ में अब हम और आगे की ओर बढ़ते हैं और क्या है प्रश्नों का लेवल देखते हैं अब प्रश्नों पर आ रहे हैं सीधे ठीक है तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए प्रश्न करने के लिए और समझने के लिए थोड़ा सा दो तीन प्रश्न ले लेता हूँ मैं ठीक है उससे क्या अपने क्लियर हो जाएंगे सब चीजें देखिए प्रश्न देख रहे हो आप पैंसठ गुना अठहत्तर बटा नौ में आपको सेसफल फाइंड आउट करना क्या निकालना है आपको सेसफल निकालना पैंसठ गुना अठहत्तर बटा नौ का सेसफल याद कर ठीक है अब आप देखो मैं इनको अलग अलग करके दिखा रहा हूं थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे जैसे कि मैं पैंसठ में भाग लगा रहा हूं नौ का ठीक है पैसठ में नौ का भाग लगाया आप ये बताओ पैसठ से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें नौ का पूरा पूरा भाग जाए आप कहोगे तिरसठ पूरा ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए समझ लेंगे आप लोग ठीक है यदि थोड़ा सा गए समझ तो में नहीं आएगा मैं पूरी कंडीशन बता दूंगा कि चाहे रिमाइंडर प्लस में लो माइनस में लो या फिर माइनस प्लस में लो प्लस माइनस में लो किसी में भी लो तब भी आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है अब आप यह बताइए आप करने मत बैठिए ठीक है आप इधर समझिए पैसठ से छोटी कौन सी संख्या जिसमें नौ का भाग जाता है आप कहोगे गया तिरसठ तो रिमाइंडर क्या हुआ प्लस का दो होगा और पैंसठ से बड़ी कौन सी संख्या है ठीक है तो आप कहोगे में से माइनस करो कितना हो गया माइनस के साथ तो रिमाइंडर प्लस के दो और माइनस के साथ ही गया आ, आ रहा है ना समझ रहे भाई पैंसठ से बड़ी कौन सी संख्या बेहतर है और पैंसठ बेहतर से कितना कम है दो कम है या फिर आप सीधा निकाल लो ठीक है फिर आप देखो आपने क्या किया यहाँ पर पहले इसको गुना कर लिया फिर आप इसमें इसको भाग लगाओगे तो अठहत्तर में भाग लगाओगे किसका नौ का ठीक है तो देखो अठहत्तर से छोटी कौन सी संख्या जिसमें नौ का पूरा पूरा भाग जाए आप कहोगे सर बेहतर है और रिमाइंडर कितना आ गया प्लस का छ माइनस में निकालोगे तो नौ में से छह माइनस करो कितना हो गया माइनस का, का तीन तो यहाँ पर आपने दोनों के रिमाइंडर अलग अलग निकाल लिया ठीक है अब आप देखो फर्स्ट फर्स्ट कंडीशन देखो बीच में सिंबल गुना का है तो आपको रिमाइंडर के साथ भी गुना कर आपको रिमाइंडर के साथ भी क्या करना है कर। ठीक है अब आप देखो इधर से मैं इसका प्लस रेमेंडर ले रहा हूं इन दोनों के प्लस प्लस रिमाइंडर ले रहा हूं ठीक है प्लस का दो और यहां पर गुना प्लस के कितना दोनों के प्लस प्लस लिए कितना ठीक है दोनों के प्लस प्लस रिमाइंडर लिए पहली कंडीशन दोनों के प्लस तो छोटी तो कौन सी संख्या जिसमें नौ का पूरा पूरा भाग जाए आप हो गया नौ है तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो गया प्लस का तीन हुआ रिमाइंडर कितना बचा प्लस का तीन हुआ समझ में गया तो रिमाइंडर कितना आया प्लस का तीन सेकेंड कंडीशन अब एक में प्लस ले रहा हूं एक में मैं माइनस ले रहा हूं ऊपर वाले में प्लस का प्लस का ले रहा हूं दो हूं ठीक है गुना नीचे माइनस का तीन बटे में क्या ठीक है तो यहां पर देखो तीन दो नीचे छ कितना हुआ माइनस का छह बटा नो तो देखा जाए तो रिमाइंडर कितना हो गया माइनस की छह हो गया रिमाइंडर क्या हो गया माइनस की छह हो गया ठीक है कि नहीं और रिमाइंडर माइनस छ हो गया प्लस में निकालोगे तो नौ में से छ माइनस कर दो क्या आ गया प्लस का तीन आ गया कोई फर्क पड़ा देखो पहले वाली कंडीशन में दोनों प्लस प्लस में लिए रिमाइंडर तब भी आंसर प्लस तीन आ रहा है यहां पर दोनों के रिमाइंडर माइनस में लिए इसका प्लस लिए इसका माइनस लिया तब भी कितना आ रहा है तीन आ रहा है ठीक है तीसरी कंडीशन थर्ड अब एक का दोनों के मैं माइनस माइनस ले रहा हूं दोनों के क्या ले रहा हूं मैं माइनस इसका माइनस के सात और इसका लिया माइनस के तीन डिवाइडेड बाई कितना यहां पर देखो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस तो प्लस के इक्कीस 9 अब ये संख्या ज्यादा हो गई बड़ी हो गई तो आप ये बताओ इक्कीस से छोटी कौन सी संख्या जिसमें नौ का पूरा पूरा भाग जाए आप कहोगे सर अठारह तो रिमाइंडर क्या हुआ प्लस का तीन हो गया कहने का मतलब ये है चाहे आप रिमाइंडर दोनों के प्लस प्लस ले लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे दोनों के माइनस माइनस ले लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे एक प्लस ले लो एक माइनस ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ओवरऑल जो आया वो कितना आया यहाँ पर प्लस का तीन आया ये चीज समझ में आई कि नहीं आई आपकी ये बताइए बस प्लस और माइनस का ये है आपको जब उचित लगे कि यहाँ पर अपनी कैलकुलेशन प्लस से कम हो रही है प्लस लो जब आपको ये लगे कि यहाँ पर अपनी कैलकुलेशन माइनस से कम हो रही है माइनस लो ठीक है तो कहने का मतलब मेरा यह है प्लस और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर वही आता है बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में आना चाहिए यार फिर मैं आगे बढ़ू ठीक है तो देखिए अब अपने पास क्वेश्चन है ये रहा आपको दो बार लिखने की आवश्यकता नहीं है उनचास गुना पैंसठ नो। अब आप एक ही ले लो रिमाइंडर चाहे प्लस में ले लो चाहे माइनस में ले लो कुछ भी ले लो आप ये बताइए ये आप क्वेश्चन ठीक है मैं लिख लेता हूं अलग से उनचास गुना पैंसठ बटा अब आप मुझे ये बताइए कि भाई उनचास बटानो आप अलग अलग पद में इस तरीके से बात तो लगा सकते हो समझ रहे हो नहीं आप ठीक है तो देखो उनचास से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें आप नौ का पूरा पूरा भाग लगाओ ठीक है तो पूरा पूरा भाग चला जाए ठीक तो है तो आप कहोगे सर उनचास से छोटी कौन सी संख्या है तो आप कहोगे पैंतालीस आपको पैंतालीस के बारे में पता है और उनचास पैंतालीस से कितना अधिक है चार अधिक है तो रिमाइंडर कितना हुआ प्लस गए चार होगा यहाँ पर पैंसठ से बड़ी कौन सी संख्या है पैंसठ से छोटी कौन सी संख्या जिसमें नौ का पूरा पूरा भाग जाए तो आप कहोगे सर तिरसठ तो रिमाइंडर कितना हुआ प्लस का तीन हुआ और इसको गुना करेंगे तो चारतीय कितना आएगा बारह बारह बटा नौ अब ये तो ज्यादा हो गई ये संख्या तो फिर से भाग लगाओ आप तो भाई बारह से छोटी कौन सी संख्या जिसमें नौ का पूरा पूरा भाग जाए आप कहोगे सर नौ है तो रिमाइंडर कितना बचेगा प्लस का तीन हो गया यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो गया प्लस का तीन कुछ भी ले लो अब बहुत से लोग कहेंगे सर हम तो माइनस लेंगे चलो माइनस में चेक कर लो आप आपकी भी मन की इच्छा कर देते हैं पूरी भाई उनचास से बड़ी संख्या है कौन सी चौवन तो रिमाइंडर कितना हुआ माइनस के पांच हुआ यहां पर रिमाइंडर क्या होगा बेहतर होगा ठीक है यहां पर यदि रिमाइंडर तो नौ में से छ तीन माइनस करें सॉरी कितना आएगा छ आएगा ठीक है आठ नाम बेतर? ये प्लस का गलती कर दी यार है प्लस का दो आएगा नहीं देख लो गलती हो जाती है यार हर किसी से हो जाती है प्लस का दो आएगा और प्लस का दो आएगा तो ये आठ ही बनेगा सर भाई तिरसठ था नहीं रिमाइंडर प्लस का आठ बनेगा बेटा ठीक है प्लस का आठ आएगा ठीक है चलो कोई नहीं ठीक है अब आप चाहो कि सर हम तो माइनस में लेना चाहें तो भाई माइनस में लेंगे तो क्या आएगा नौ में से दो माइनस करें कितना आएगा माइनस के साथ अब आप यहां पर दोनों के माइनस माइनस रिमाइंडर लेते हो ठीक है तो यहां पर देखो माइनस के पांच गुना माइनस के सात डिवाइडेड बाई नौ तो देखो यहां पर सात पंचो पैंतीस पैंतीस बटा नौ अब पैंतीस से बड़ी संख्या कौन सी है छत्तीस और 35 36 से कितना कम है एक कम है तो रिमाइंडर क्या माइनस का एक माइनस से प्लस में निकालोगे तो नौ में से एक माइनस करो कितना आगे प्लस का आठ आ तो रिमाइंडर चाहे आप प्लस में ले सकते हो माइनस में ले सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है बस आपको अपनी कैलकुले अब यहाँ पर यदि आप, आप माइनस लेते नहीं तो आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती देख लो आप तो मेरा कहने का मतलब यह है कि चाहे प्लस में लो चाहे माइनस में लो ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होगी ठीक है क्लियर अब एक दो प्रश्न आप खुद बनाओगे खुद से करोगे है, समझ में आएगा ठीक है दोस्तों समझ रहे हैं आप लोग क्लियर है तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है और आप सभी लोग प्रश्न बनाने का कष्ट करोगे और आप आंसर भी दोगे बताइए इसका आंसर सैतीस गुना अड़तालीस डिवाइडेड फाइंड आउट द रिमाइंडर और ये फेसबुक पेज वाले जो मित्र हैं तो बेटा ऐसा कीजिए आप आप एग्जाम फंडा ई एक्स एम एफ एन डी एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पर आके चैनल को लाइक करो पहला काम सब्सक्राइब करो चैनल को ठीक है आगे बढ़ाएं एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पर आइए आप लोग फेसबुक पेज वाले मेरे प्यारे दोस्त जितने भी स्टूडेंट फेसबुक पे पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं गलती हो गई सही कर दी यार मैं भी तो इंसान हूं गलती हो जाती यार, है यार क्या मेरे से नहीं हो सकती ये गलती और आप एक चीज मैं देख रहा हूं लाइक बहुत कम किए हुए हैं लाइक बहुत कम किए हुए हैं आपने ठीक है क्यों अच्छा नहीं लग रहा कि आपको पढ़ाया हो समझ में नहीं आ रहा आपके लाइक बहुत कम है तो आप लोग फटाफट से क्वेश्चन का जवाब देते चलो लाइक करते चलो यदि आपको समझ में आ रहा है अच्छा लग रहा है तो आप लाइक जरूर करेंगे लाइक बहुत कम है लोगों के ध्यान रख लेना ठीक है आप जितने बच्चे देख रहे हो लाइक बहुत कम आ रहे हैं आप लोगों के ठीक है तो आप लोग फटाफट से ये लाइक कौन करेंगे तो लाइक आ, आ, जो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज वाले जितने मेरे प्यारे दोस्त हैं ठीक है आप लोग फटाफट से एग्जाम फंडा चैनल पर आ ठीक है हाँ सुमन चौधरी गुड इवनिंग ठीक है पांच इज करेक्ट आंसर हिमांशु अग्रवाल सुमन चौधरी शिवा बिष्ट आकाश बैरवा केशव शर्मा ओके हिमांशु अग्रवाल वेरी गुड ज्यादातर लोगों का आंसर ठीक है किसी से बनाओ आप ठीक है बस अपने कैलकुलेशन सही रखो आप ठीक है और लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग गलत बात आपको समझ में आ रहा है तो यार लाइक तो करना चाहिए चलो ठीक है देख लेना अपने अपने आंसर चेक कर लेना प्लस पांच आ रहा है आप लोगों का भाई 37 से छोटी संख्या कौन सी जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाए आप कहोगे 35 तो रिमाइंडर क्या हुआ प्लस का 5 पा। और भाई 48 से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें सात का पूरा पूरा भाग जाए तो आप कहो सर सात छी पर आप एक छोटा सा नजरिए आप देखो तो 48 से बड़ी कौन सी संख्या है 49 है या नहीं है है क्या है 49 तो आपको कैलकुलेशन इजी होगी और 48 49 से कितना कम है एक कम है तो रिमाइंडर क्या हुआ माइनस का एक हुआ अब आपको रिमाइंडर प्लस में है माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्लस के पांच और ये माइनस के एक यहां पर क्या हुआ रिमाइंडर माइनस का पांच और रिमाइंडर कभी भी माइनस में काउंट नहीं किया जाता रिमाइंडर कभी भी माइनस में काउंट नहीं किया जाता तो प्लस में काउंट करोगे तो सात में से माइनस कर दो पांच तो रिमाइंडर कितना आ गया प्लस के दो आ गया ये आंसर है आपका फ्रेंड <laughs> जो शायद किसी का नहीं बना है प्लस पांच कैसे आएगा यार ये बताओ आप मुझे आप लोग ऐसे गलती करोगे कैसे काम अरे यार शायद मैं ही गलती कर गया हूँ ओके बॉस मेरे से ही गलती हो गई <laughs> चलो कोई ना ये प्लस के दो बचेंगे यार गलती हो गई बिल्कुल गलती हो गई मान गए ये प्लस के दो बचेंगे ठीक है और यहाँ पर प्लस के दो बचेंगे तो रिमाइंडर यदि आप निकालोगे भाई पैंतीस से छोटी संख्या सैंतीस से छोटी संख्या पैंतीस है तो सैंतीस uh, पैंतीस से कितना अधिक है दो अधिक है तो रिमाइंडर प्लस के दो और यहाँ पर कितना होगा यहाँ पर माइनस का एक और प्लस के दो गुना माइनस एक तो रिमाइंडर क्या आएगा माइनस दो और रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता तो सात माइनस के दो कितना आ गया प्लस के पाँच बिल्कुल ज्यादातर लोगों का ठीक है कोई बात नहीं बिल्कुल गलत हो गया चलो ठीक है सही है ये प्लस के दो बचे ठीक है और दू आपको प्रश्न और प्रश्न दू चलो ठीक है कीजिए ये लीजिए प्रश्न आपके सामने और सभी लोगों का आंसर ठीक बनना चाहिए प्रश्न आपके सामने है पैतीस गुना इक्यासी बटा आठ इसमें आप लोग रिमाइंडर फाइंड आउट करके दिखाए देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देगा और किसका आंसर सबसे पहले आएगा सही आएगा हाँ भाई हिमांशु भाई कैसे हैं बढ़िया हैं ये एमडी इनका आंसर आया है तीन केशव शर्मा का तीन आंसर आ रहा है हाँ हिमांशु अग्रवाल नमस्कार सुमन चौधरी दो आंसर आ रहे हैं शिवा तीन हिमांशु अग्रवाल तीन अंकित कुमार तीन प्लस तीन वेरी गुड सुमन चौधरी तीन आ रहा है इधर फेसबुक पेज वाले भैया आप लोग आओ, पंडा पर आओ एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पर आओ पर आना है आपको आपको आना है एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल एम एग्जाम चैनल पर है। हाँ भाई प्लस तीन प्लस तीन प्लस तीन आंसर दे रहे हैं। चलो देखते हैं तो शायद प्लस तीन ही होगा आंसर भाई पैंतीस से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें आठ का पूरा पूरा भाग जाए ठीक है हाँ भाई इधर देखे तो देखो पैंतीस से छोटी संख्या है बत्तीस थर्टी टू बत्तीस से तो रिमाइंडर कितना आएगा प्लस का तीन बचेगा रिमाइंडर कितना आएगा प्लस का तीन आएगा और भाई इक्यासी से छोटी कौन सी संख्या तो आपका कहोगे अस्सी है तो रिमाइंडर कितना आएगा प्लस का एक आएगा तो रिमाइंडर प्लस का तीन और ये प्लस का एक तो कितना हो गया यहाँ पर तीन ये आपका आंसर बना तो रिमाइंडर कितना आ गया प्लस का तीन ये ज्यादातर लोगों का सही है ठीक है आ रहा है ना समझ में क्लियर है तो लाइक तो करो आप लोग लाइक बहुत कम है आप लोग ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो शायद करा दिया पैंसठ गुना अठहत्तर बटा नौ ये तो करा दिया लाइक करो भाई लाइक लाइक बहुत कम है आप लोगों के, चलो ये बताइए रिमाइंडर के साथ वही बर्ताव करना है जो क्वेश्चन के साथ हो रहा है क्वेश्चन के साथ गुना हो रहा है तो आपको गुना करना है क्वेश्चन के साथ प्लस हो रहा है तो आपको प्लस करना है क्वेश्चन है पैंसठ प्लस अठहत्तर डिवाइडेड बाई नो रिमाइंडर बताइए भाई देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं और ये फेसबुक पेज वाले हैं आप लोगों को तो मैं बार बार बोलूंगा और तभी आप आओगे आप एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पर आके चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए यस प्लस के आ रहा एम एमडी का केशव शर्मा का प्लस तीन सुमन चौधरी का प्लस आठ आकाश शर्मा का आकाश बैरवा का प्लस तीन हाँ भाई कीजिए आप लोग कुछ फेसबुक पेज वालों से बात कर लेते हैं थोड़ा सा हाँ भाई भी, अरे भैया आप इधर आंसर दो ठीक है <laughs> ये एप्लीकेशन वाले योगेश्वर कुमार पटेल प्रेम बाबू सोनू मीना गुलाब हसन प्लस पांच प्लस आठ धीरज पाल वेरी गुड समझ में आ रहा है चलो देखते हैं यहां पर 65 से छोटी कौन सी संख्या जिसमें 9 का पूरा पूरा भाग जाए तो आपका वो सर 63 त्रिमेंद्र कितना आ गया प्लस के दो आ गया ठीक है फिर हम बात करते हैं 78 अब आप खुद देख लें प्लस में ले माइनस में ले ये आपको खुद को सोचना है चाहे प्लस में लो माइनस में लो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है यदि आप माइनस में लेते हो ठीक है तो इक्यासी तो आएगा क्या आएगा इक्यासी और अठहत्तर इक्यासी से कितना कम है? तीन कम है 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 तो माइनस के 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 हो गए ठीक अब आपको रिमाइंडर साथ साथ भी भाई करना है जो प्रश्न प्रश्न में प्लस है, बीच में तो आपको रिमाइंडर के साथ भी प्लस करना है प्लस में माइनस है तो आपको माइनस करना है गुना है, तो गुना है तो गुना करना है तो यहाँ पर देखो प्लस का दो और ये माइनस के तीन ठीक है तो क्या बचेगा माइनस का एक बचेगा और रिमाइंडर कभी भी माइनस में काउंट नहीं करते हैं। तो नौ में से माइनस एक करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर प्लस का आठ ये आपका क्या बना आंसर हाँ भाई बोले आप लोग किसी को कोई भी परेशानी हो कोई दिक्कत हो तो बताइए आप हाँ भाई समझ में आ रहा है आप लोगों के okay? ठीक है क्लियर है मैं एक प्रश्न ले रहा हूं पर उससे पहले एक प्रश्न और लूंगा मैं अभी मैं आपको बता देता हूँ जो भी स्टूडेंट पहली बार जुड़े हैं या फिर जो स्टूडेंट प्रॉपरली एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं चाहे एसएससी बैंक रेलवे किसी भी एग्जाम्स की यदि आप तैयारी कर रहे हैं ठीक है थेके? और आप एक प्रॉपर वे में यदि तैयारी करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन पे आइए ठीक है एप्लीकेशन पे बेच एप्लीकेशन पे पढ़ने का फ़ायदा यही है आपको लाइव क्लास रेगुलर रहेंगे डेली पीडीएफ भी आपको रेगुलर मिलेंगे व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाता है वहाँ से आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ नोट्स वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा ठीक है और एप्लीकेशन पे चलता है ये बेच, ठीक है एप्लीकेशन का नाम ही एग्जाम फंडा के नाम से एप्लीकेशन और एप्लीकेशन पे शाम को 7 से 8 मैथ्स की क्लास होती 8 से 9 रीजनिंग की क्लास होती यदि आप मैथ और रीजनिंग दोनों का बैच परचेस करते हो और ध्यान रखना ये मैथ्स रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं ये आपको एग्जाम में पार करा देते यदि सिलेक्शन होता है तो इन दोनों सब्जेक्टों के वजह से ही होता है और नहीं होता है वो भी इनके वजह से ही नहीं होता ठीक है थेके? तो इसलिए इन दोनों सब्जेक्टों को आपको यदि मजबूत करना है अच्छा करना है तो आप बिल्कुल वेट ना करें और आप मात्र नौ रुपए में इस बैच को परचेस जरूर कर लें आज ही कर लें और एक प्रॉपर वे में पढ़ें ठीक है और आपको लगता है कि सर हमें केवल मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स ही पढ़ना है कि सर हमने रीजनिंग पढ़ रखी है या फिर हमारे ऐसा सिलेबस शायद मैं तो मानता नहीं हूँ जिसमें रीजनिंग ना आए ठीक है पर कुछ लोगों ने पढ़ रखी हो कुछ दिक्कत हो तो आप केवल मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स का ही ले सकते हो जो मात्र छः सौ निन्यानवे रुपए में अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सर हमने तो मैथमेटिक्स तो पढ़ रखी है या फिर हमारे मैथमेटिक्स आई नहीं रही जैसे कि बहुत से लोग आपने से स्टेनोग्राफर की तैयारी कर उनमें केवल रीजनिंग रीजनिंग ही आती है ठीक है तो आपको यदि रीजनिंग का कोर्स परचेज करना है ठीक है तो ये चार सौ निन्यानवे रुपये में आपको मिल रहा है ठीक है तो यहाँ से आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं अभी ऑफ भी चल रहा है ठीक है लॉकडाउन को देखते हुए हमने सबकी प्राइस बहुत कम कर रखी है और एक अच्छे लेवल से हम लोग पढ़ा रहे हैं जीरो से ऊपर अच्छे लेवल तक पढ़ा रहे हैं ठीक है ठीके? तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए पढ़ाई कीजिए कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए ठीक है और आपको बैच परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये मोबाइल नंबर लीजिए इन पे आप कॉल करो सेवन नाइन जीरो सिक्स सेवन डबल वन सिक्स फोर थ्री एक तो ये नंबर है एक दूसरा नंबर ये लिख लीजिए सेवन डबल टू ज़ीरो एट वन ट्रिपल एट फोर ये मेरा खुद का नंबर है किसी पे भी आप बात करके आप अपनी बात रख सकते हो मैं प्लस ही में ही ओके चलो ठीक है आज की क्लास का समय हो चुका है मेरा मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा रीजनिंग वाले सर आ चुके हैं बट आप रेगुलर पढ़े ठीक है एप्लीकेशन पे आने का पूरा प्रयास करें पे आप ठीक है आप प्रॉपर वे में पढ़ पाओगे कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए लोग ठीक है किसी को कोई प्रॉब्लम हो आज की क्लास को लेकर तो मुझे बताइए एक बार आज की क्लास का फीडबैक फटाफट से सेंड कीजिए आप ठीक है ठीक है बाकी कल मैं इन्हीं क्वेश्चनों के साथ और चर्चा करूंगा और भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ ठीक है तो आज की क्लास में कोई दिक्कत हो बताइए आपके समझ में आए क्या रहा फीडबैक कैसा क्या है भाई ठीक है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है विदा लेते हैं बाकी कल शाम को सात बजे और सुबह दस बजे रेगुलर क्लास है सुबह भी क्लास है ठीक है तो ओके थैंक यू वेरी मच नमस्कार शुभरात्रि